तारीख होती कि हमारी जुडिशरी ने हर दौर के अंदर मुतनाजा फैसले ना दिए होते और उन्होंने कानून और इंसाफ को सामने रखते हुए अपनी राय दी होती अपने फैसले दिए होते तो फिर हम ये कह सकते थे कि हाँ सोशल मीडिया की कोई हैसियत नहीं है लेकिन हमारी जो इस मुल्क की बदकस्मती से तारीख रही कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा जिसके अंदर मुतनाज़ा फैसले ना आए अभी लेटली इसी सुप्रीम कोर्ट की आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि उन्होंने जुल्फकार अली भुटो साहब के केस को रिविजिट किया और उस वक्त के जो हालात थे उनके ऊपर बड़ी तबसरा आ रही हुई और ये कहने में जज साहिबान को भी आ, कोई मज़ायक नहीं रहा कि उस वक्त का जो बेंच था जिसने भुट्टो साहब को सजा दी उसके ऊपर एक दबाव था और हम अपने ऊपर से एक धब्बा धोना चाहते हैं फिर मज़ीद आगे आप चलते जाए जो फैसले आते रहे उसके बाद की दहाइयों में वो किसी तरह से भी फैसले कानून के मुताबिक नहीं थे दबाव के तहत ही थे और उसका नतीजा ये निकला है कि आज हमारी सियासत का चेहरा मश्क होके रह गया हमारी जो पॉलिटी है वो इतनी उसके अंदर नफरतें बढ़ चुकी हैं इतनी ज्यादतियाँ हो चुकी हैं कि अब लाइंस इतनी क्लियरली ड्रॉ हो चुकी हैं कि लोग ये पहले दिन से तहिया कर बैठे होते हैं कि अदलिया से फैसला सही नहीं आना तो वो दबाव के तहत ही आना ये हमारे मुल्क की एक ऐसी हकीकत है खासकर सियासी मामला सियासी मामला में। में, हर आदमी ये बात पहले से जानता है कि हमारे यहाँ अदलिया अपना कंधा फराहम करती है और उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको डिसकॉलीफाई करके पॉलिटिकल गेम से आउट किया जाता है जो इख्तियार पाकिस्तान की आवाम के पास है उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए किसी को भी उस पॉलिटिकल गेम से बाहर करने का अपने वोट के जरिए वो उनको इख्तियार करने नहीं दिया जाता अदालतों के जरिए लोगों को डिस्कॉर्ट ये बात सर, सर में अगर आप इजाजत दें जस्टिस सतर मिनला ने आज अदालत में भी कही उन्होंने कहा मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और ये तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही है जजों का खत यह बता रहा है कि सिलसिला आज भी जारी है